है दोस्तों, वेलकम बैक टू खुशी जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बिजी था और मैं आया हूँ चंडीगढ़ रॉक गार्डन। तो लेट्स आइए रॉक गार्डन का मजा लेते हैं अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है। नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं और डॉल्स भी बने हुए हैं इस पूरे एरिया में। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। फिलहाल गर्मी बहुत बढ़ गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कूल माहौल है। ये यहाँ पे डॉल्स वगैरह बनाई हुई हैं पत्थरों की, एज मतलब पत्थरों को बना बना के काट काट के पत्थरों को बनाया गया है डॉल्स वगैरह। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। हालांकि हमने इसके लिए 30 रुपये दिए हुए हैं टिकट के बाहर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ। वो हिमांशु है, वो पीछे वाला सचिन है। उनके कॉल्स आते रहते हैं, एक्चुअली हम उन्हें नेताजी कहते हैं तो इसलिए उनके कॉल्स आते रहते हैं। आप मैं अभी देख सकते हैं अभी माहौल कुछ शांत लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे दरवाजे जो हैं बहुत ही छोटे छोटे बनाए गए हैं और उसमें बल्कि एक लिखा भी हुआ है कि अपना सर बचा के चले वरना इसमें जो है आप चोट लग सकती है। हालांकि मेरे एक दोस्त को लग भी चुकी है। तो अगर आप कभी चंडीगढ़ आते हैं तो आप किस जगह पे ज़रूर आइए घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल डॉल म्यूज़ियम इन्होंने नाम दिया हुआ है इस चीज़ को। पत्थरों की मूर्तियाँ बना रखी हैं अलग अलग जानवरों की। यहाँ पे ऊँट की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, भालू बने हुए हैं, छोटे छोटे जानवर बने हुए हैं। पीछे कुछ डॉल्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे के साथ। गर्मी बहुत बारिश तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और मेरे ख्याल से एग्जिट पॉइंट पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखते हैं ये भी क्या होता है, एग्जिट पॉइंट पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। ये देखिए अब हम जा रहे हैं अंदर और कुड़ियों की हेल्प से जो है क्रिएटिविटी करके मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ में बता रहा था बार बार लिखा हुआ बचा के चले। अब हम रॉक गार्डन के बिल्कुल बाहर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं सुखना लेक वहाँ पे घूमने और वहाँ क्या भी थोड़ा मज़ा लेंगे और आप सभी को दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है। अभी मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में हूँ और ये जो है ये रॉक गार्डन की बाहर की सीन है। यहाँ पे काफ़ी दुकानें नहीं हैं तो टैक्सी वगैरह भी मिलती है। एक्चुअली हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमने पास बनवा रखा है बस का, तो लेट्स बस का इंतज़ार करते हैं। बस आती है, बस के बाद जो है हम जाएंगे सुखना लेक और वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक्चुअली मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ तो ऐसे बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूँ सुखना लेक। तो हमें अभी बस नहीं मिली है। हम जो है रॉक गार्डन से और सुखना लेक जा रहे हैं जो कि 1 किलोमीटर है। हमारी टैक्सी जा रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लेक में और बहुत ही फेमस लेक है यहाँ की चंडीगढ़ की, इसको बोलते हैं सुखना लेक। और यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी स्टॉल लगी हुई है। ये यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो झूले झूल सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं साथ में अपने। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है ये है